नमस्कार दोस्तों, मैं सतीन तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और वो नया टॉपिक है आपका ग्रंथि विज्ञान। कौन सा? ग्रंथि विज्ञान, या फिर इसको हम कहें क्राइनोलॉजी, ग्रंथि विज्ञान। तो जो ग्रंथि विज्ञान टॉपिक है हमारा, ये ग्रंथि विज्ञान है क्या, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन चीजों पे हमें विचार करना है। तो जो ग्रंथि विज्ञान है, इस ग्रंथि विज्ञान में अगर हम ये देखें कि ग्रंथि विज्ञान कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथि विज्ञान होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की ग्रंथि विज्ञान होती है। एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान, अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंडो क्राइनोलॉजी। क्राइनोलॉजी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ग्रंथि विज्ञान वाला। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरी हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि विज्ञान। यानी अगर हम बात करें तो जो ग्रंथि विज्ञान है, वो ग्रंथि विज्ञान दो प्रकार की हो सकती है। एक है एंडोक्राइनोलॉजी और दूसरी है एक्सोक्राइनोलॉजी, या फिर एक्स क्राइनोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स क्राइनोलॉजी बोल सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान, बाह्यस्रावी ग्रंथि विज्ञान, दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्रंथि विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रंथि विज्ञान कहा जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान, यानी ये कैसा ग्रंथि विज्ञान है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि विज्ञान ये कैसा ग्रंथि विज्ञान है, तो आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान से हमारा उत्सर्जित होता है क्या? हार्मोन। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो चीज उत्सर्जित होती है, उस पदार्थ को कहते हैं हम क्या? हार्मोन। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है, उनसे क्या उत्सर्जित होता है? तो इनसे निकलता है आपका एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। यानी अगर हम एंजाइम के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन करेंगे, वो आपका हो गया एक्सोक्राइनोलॉजी। वैसे भी तो पूछ सकता है कि कौन सी विज्ञान के अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा मत बोल देना कि एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी नहीं होगा, एक्सोक्राइनोलॉजी होगा। क्या होगा? एक्सोक्राइनोलॉजी। और हार्मोन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान, या एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो आपका एक्सोक्राइनोलॉजी है वो क्या है, और एंडोक्राइनोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हमें ये देखना है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के प्रकार, यानी जो ग्रंथि के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो ग्रंथियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरे को हम बोलते हैं क्या? बहिःस्रावी ग्रंथि। यानी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथि। यानी ग्रंथि कितने टाइप की? दो टाइप की। एक को हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे को हमने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी ग्रंथियां कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब यहां पर अगर हम ये देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, इससे क्या निकलता है? इससे आपका निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। यानी एक से हार्मोन निकल रहा है, एक से निकल रहा है एंजाइम। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो इन दोनों का काम करती हैं, यानी आपका एंडोक्राइन का भी काम कर रही है और एक्सोक्राइन का भी काम कर रही है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम कर रही है और
बहिःस्रावी ग्रंथि का भी काम कर रही है। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का अगर काम करेंगी, तो यहां पर अगर हम ये कहें कि ये भाई बोध ग्लैंड हो गई, दोनों प्रकार की ग्रंथियों का काम कर रही है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड। भाई मिक्स ग्लैंड में यानी यहां पर हार्मोन भी होगा और प्लस एंजाइम भी होगा, यानी ये जो मिक्स ग्लैंड होगी इस मिक्स ग्लैंड से हार्मोन भी उत्सर्जित होगा और एंजाइम भी उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमने ये देखा कि एंजाइम और जो हार्मोन है वो कहां से उत्सर्जित हो रहा है। तो आपका हार्मोन जो है वो उत्सर्जित होता है कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और जो आपका एंजाइम है वो एंजाइम का उत्सर्जन कहां से होता है? तो एंजाइम का उत्सर्जन होता है बहिःस्रावी ग्रंथि से। बस दो ही पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर ये पूछा जाए कि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, और अगर हम ये कहें कि एंजाइम कौन सी ग्रंथि से निकलता है तो वो आपका निकलता है बहिःस्रावी ग्रंथि से। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हार्मोन हो सकते थे, सॉरी एंजाइम हो सकते थे, उन एंजाइम को मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो एंजाइम यानी एक्सोक्राइनोलॉजी तो हम पढ़ेंगे नहीं भाई, क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान। तो अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान जो है इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है उस एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है, इसका पिता कौन है। तो एंडोक्राइनोलॉजी का जो पिता है उस व्यक्ति का नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है ये थॉमस एडिसन अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का पिता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ऐसा कौन सा हार्मोन था जो सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन जो है वो था सिक्रीटिन। कौन सा? सिक्रीटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले। अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, तो सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया उस हार्मोन का नाम था सिक्रीटिन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्मोन शब्द किसने दिया, हार्मोन शब्द जो है ये शब्द किसने दिया, तो हार्मोन शब्द दिया था किसने? तो एक विद्वान है जिसका नाम है स्टर्लिंग। कौन है? स्टर्लिंग, यानी स्टर्लिंग नाम का विद्वान है, इस विद्वान ने ये शब्द दिया है हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर तीन फैक्ट बन रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? थॉमस एडिसन को। खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। और इसके अलावा ये शब्द जो है ये किसने दिया है? तो ये शब्द दिया है स्टर्लिंग ने, हार्मोन शब्द। ठीक है, अगर मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊं, जैसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्मोन है क्या, हार्मोन क्या है या एंजाइम क्या है, तो इन चीजों का एक रामबाण आंसर होता है। जैसे अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि हार्मोन क्या है, या फिर ये पूछ ले कि एंजाइम क्या है, कोई भी चीज पूछ ले, तो उसका एक सामान्य सा आंसर होता है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। अगर हम बात करें हार्मोन, तो हार्मोन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में जो क्रियाएं चल रही होती हैं उन क्रियाओं की गति को या तो बढ़ाता है या क्या करता है? कम करता है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उन क्रियाओं कि गति को या तो कम करेगा या बढ़ाएगा, ये काम होता है हार्मोन का। और हार्मोन निकलता किससे है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन जो है वो निकलता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। यानी सबसे पहली जो ग्रंथि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पहली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। हालांकि
जो क्लास में बना रहा हूं, तो एंडोक्राइनोलॉजी पे कम से कम दो क्लासेस जो है बन जाएंगी, दो या तीन भी हो सकती हैं, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा हम डिटेल में भी समझेंगे, एक एक हार्मोन को समझेंगे, हर हार्मोन का काम क्या है उस चीज को भी समझेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि पीनियल ग्रंथि जो है, ये पीनियल ग्रंथि जो है पाई कहां पे जाती है, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है ये आपकी मस्तिष्क के डाई एनसेफेलॉन भाग से जुड़ी रहती है। मस्तिष्क के डायन्सेफलॉन भाग से जुड़ी रहती है, यानी डायन्सेफलॉन भाग से ये जुड़ी हुई है। अगर ये आपकी डायन्सेफलॉन भाग से जुड़ी हुई है पीनियल ग्लैंड, तो अगर नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि ये ग्रंथि कहाँ है, तो ये जो आपका माथा होता है उस माथे का बीच वाला जो बिंदु होता है आपका, वो बीच वाला बिंदु, ये जो स्थान होता है इस स्थान पर होती है पीनियल ग्लैंड और ये मस्तिष्क के डायन्सेफलॉन भाग से जुड़ी रहती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है और जन्म के पश्चात आपने देखा होगा कि इस स्थान पर जो है कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो लोग जो है हल्ला कर देते हैं, अरे भाई भगवान शिव का जन्म हुआ है, भगवान शिव का जन्म हुआ है, तीसरी आंख है। तो तीसरी आंख नहीं होती है, वो पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्रंथि वो बाहर निकल आती है। और जब पीनियल जो ग्लैंड है वो जब बाहर की तरफ निकल के आती है, तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। वो भगवान शिव की तीसरी आंख नहीं है, पीनियल ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। पीनियल ग्रंथि जो है ये 7 वर्ष की अवस्था तक विघटित हो जाती है, 7 वर्ष की अवस्था तक विघटित हो जाती है, मतलब 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे में ये ग्रंथि नहीं पाई जाएगी, 7 वर्ष की अवस्था तक विघटित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है उस बच्चे में कैल्शियम आयन की संख्या लगातार क्या करती है, बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, कैल्शियम की मात्रा क्यों बढ़ रही है, कैल्शियम की मात्रा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी हड्डियां भी तो बड़ी होती हैं, हड्डियों का निर्माण होता है, और जब हड्डियों का निर्माण हो रहा है कैल्शियम आयन की संख्या बढ़ रही है। जब कैल्शियम आयन की संख्या बढ़ेगी तो इससे होगा क्या कि जो पीनियल ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि नष्ट हो जाती है धीमे धीमे, पीनियल ग्रंथि जो है ये नष्ट हो जाती है। किसके कारण? बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण। जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो पीनियल ग्रंथि जो है वो नष्ट हो जाएगी। अगर पीनियल ग्रंथि नष्ट हो गई, इसका मतलब अब ग्रंथि बची नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि ग्रंथि का बहुत ही छोटा पार्ट बचता है, बहुत छोटा पार्ट, और उस छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है, उस छोटे पार्ट को कहा जाता है ब्रेन सैंड। ब्रेन सैंड मस्तिष्क का रेत, भाई बचा ही नहीं कुछ, बहुत ही कम ग्रंथि रह गई छोटी सी, तो उसे मस्तिष्क का रेत या ब्रेन सैंड कह दिया जाता है। और ब्रेन सैंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है बिल्कुल, पीनियल ग्रंथि जो है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, ब्रेन सैंड कहा जा रहा है। इसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है, ब्रेन सैंड के अलावा, ब्रेन सैंड के अलावा इसे थर्ड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड आई, तीसरी आंख। भाई तीसरी आंख क्यों कहते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको कि ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये वाला स्थान जो होता है यहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड, और जब पीनियल ग्लैंड जो है वो यहाँ पर है इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, थर्ड आई, तीसरी आंख जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पीनियल ग्रंथि जो है इसकी विशेषताएं हैं। अब हमें देखना है कि पीनियल ग्रंथि जो है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पीनियल ग्रंथि जो है इस पीनियल ग्रंथि से आपका कौन सा हार्मोन निकलता है उस पर हमें बात करनी है, और इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि उस हार्मोन का काम क्या होता है। तो आपकी जो पीनियल ग्लैंड होती है उस पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। और जो आपका मेलेटोनिन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है स्किन यानी त्वचा, तो त्वचा जो होती है उस त्वचा में, त्वचा की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेलेनोसाइट्स।
क्या कहते हैं, मिलेनोसाइट्स। और मिलेनोसाइट्स मतलब त्वचा की कोशिकाओं को क्या कहा जा रहा है, मिलेनोसाइट्स। और जो मिलेनोसाइट्स कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर मेल जमा रहता है, उस मेल को कहते हैं मिलेनिन पिगमेंट। क्या कहते हैं, मिलेनिन पिगमेंट। और जो मिलेनिन पिगमेंट होता है वो क्या करता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। जब ये त्वचा का रंग निर्धारित कर रहा है तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये कोशिकाओं के अंदर से, यानी स्किन की जो कोशिकाएं होती हैं, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं के अंदर से मेलेनिन पिगमेंट को बाहर खींच कर लाता है। किधर, बाहर खींच कर लाता है। और जब ये बाहर खींच कर लाएगा इसे, तो क्या होगा, त्वचा का रंग जो है वो साफ हो जाएगा। त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, साफ। ठीक है, तो त्वचा का रंग साफ होने के लिए जिम्मेदार होती है कौन सी, पीनियल ग्रंथि। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का रंग दो दो महीने पे परिवर्तित होता रहता है। कारण क्या है, कारण है पीनियल ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, पीनियल ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये त्वचा का रंग जो है वो बार बार बदलता रहता है। इसीलिए बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी रंग जो है परिवर्तित करते हैं। तो ये हमने पहली ग्रंथि देखी, उस पहली ग्रंथि का नाम था पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड जो है, इस पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है आपका, तो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, ध्यान रखिएगा। दूसरी हमारी जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। ये जो आपकी थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि पाई कहां पे जाती है, तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है सीने में। थाइमस ग्रंथि जो है ये आपकी कहां पर पाई जाती है, तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है सीने में। कहां पर पाई जाती है, सीने में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक, 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक रहती है, 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक रहती है। उसके बाद ये जो ग्रंथि है ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि है ये भी खत्म हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि जो है, इस थाइमस ग्रंथि से अगर हम बात करें कि जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, इस थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो इस थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है T4 लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, T4 लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, इन T4 लिम्फोसाइट्स को ये काम सौंपता है कि क्या किया जाए, एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो, एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो। ये काम किसने सौंपा है, तो ये काम सौंपा है किसने, थाइमोसिन हार्मोन ने। यानी थाइमोसिन हार्मोन ने T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं से ये कहा कि एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा करना है। तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो थाइमोसिन हार्मोन के कहने पर T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो करती हैं। अब यहां पर जब एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि उनके सीने में थाइमस ग्रंथि पाई जा रही है। और थाइमस ग्रंथि जो है, उस थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है थाइमोसिन हार्मोन, ये थाइमोसिन हार्मोन T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं से एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। और जब एंटीबॉडी का निर्माण ज्यादा होगा तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम जो है वो कम बीमार पड़ेंगे। एंटीबॉडी कहते किसको है, एंटीबॉडी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि थी, थाइमस ग्लैंड थी। इसके अलावा अन्य ग्रंथि की अब बात करेंगे, दो ग्रंथियां मैंने आपको बता दी, एक है पीनियल ग्रंथि जो माथे के बिल्कुल बीचों बीच पाई जा रही है, और दूसरी ग्रंथि जो है वो आपकी ग्रंथि थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड आपकी कहाँ पे पाई जा रही है, थाइमस ग्लैंड आपकी पाई जा रही है कहाँ पर, सीने में। ठीक है, वहां मेलेटोनिन हार्मोन निकल रहा था और जो थाइमस ग्लैंड है उससे थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड।
और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम जानेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।